बाहुबली के बाद एज अ डायरेक्टर एसएस राजामौली से बहुत उम्मीदें थी। फिल्म आरआरआर के ट्रेलर लॉन्च से लेकर हाइप भी काफी था और फाइनली जब तमाम रुकावट के बाद फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो गई है तो लोगों का एक्साइटमेंट देखते ही बनता है। तो क्या फिल्म इस पूरे हाइप को जस्टिफाई करती है? क्या रामचरण तेजा और जूनियर एनटीआर की जोड़ी बाहुबली जैसा मैजिक कर पाई है? क्या आलिया और अजय देवगन फिल्म में तड़का लगा पाए हैं? आइए जानते हैं। फिल्म साल 1920 में सेट है। दिल्ली से कुछ दूर एक गरीब परिवार से एक बच्ची माली को अंग्रेज उसकी मर्जी के बगैर लेकर चले जाते हैं। भीम यानी कि जूनियर एनटीआर उसे ढूंढने निकल पड़ता है क्योंकि फिल्म में कहा गया है कि हर समूह के लिए एक हर्ड्समैन यानी कि चरवाहा है और अंग्रेजों ने लड़की को पकड़कर गलत किया है। चरवाहा उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेगा। ड्यूरिंग सर्च ऑफ माली भीम की दोस्ती राम प्लेड बाय रामचरण तेजा से हो जाती है। राम ब्रिटिश सरकार में एक पुलिस अफसर है लेकिन असल में उसका एम अंग्रेजी शासकों से बदला लेना है। इसके लिए वो भीम से भी दुश्मनी कर बैठता है। लेकिन राम ऐसा कौन सा बदला लेना चाहता है? क्या भीम माली को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा पाएगा? फिल्म आरआरआर इसके बारे में बताती है। डायरेक्टर एसएस राजामौली अपनी फिल्मों को लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए जाने जाते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिल्म आरआरआर 2 इज मेड एट दैट सेम लेवल। बिग सेट्स, बिग एक्शन सीक्वेंसेस, पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेस फिल्म आरआरआर की मजबूत कड़ियां हैं। फिल्म लेकिन मात खाती है अपनी कहानी से, विच इज सेमी गुड एंड प्रेडिक्टेबल। एट टाइम्स द लॉजिक्स गोज मिसिंग बिग टाइम। लेकिन बावजूद 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। एंड इट इज बिकॉज राजामौली'स डायरेक्शन। फिल्म में राम और जूनियर एनटीआर की एंट्री सीक्वेंसेस के साथ साथ कई ऐसे सीन्स हैं जो सीटियां बटोरेंगे। कुछ इमोशनल सीन्स का पिक्चराइजेशन शानदार है, खास तौर पर वो सीन जिसमें भीम को लाखों लोगों के सामने सजा दी जा रही होती है। फिल्म में रोमांस तो नहीं है लेकिन ब्रोमांस ऑफ भीम एंड राम इज इन अबंडेंस एंड द टू लीड एक्टर्स टेक इट टू द अदर लेवल। रामचरण और जूनियर एनटीआर दोनों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। फिल्म में वन मैन आर्मी वाले सीक्वेंस कई हैं जिसमें दोनों ने खूब जान लगाई है और वो दिखता भी है। बट एट द एंड NTR leaves bigger impact with his acting, especially in emotional scenes. अपने छोटे से स्क्रीन टाइम में अजय देवगन is quite impressive. लेकिन आलिया भट्ट's character is too weak. इस वजह से वो एक्टिंग में भी कोई कमाल नहीं कर पाती। लेकिन इसकी भरपाई brilliant background score और म्यूजिक करता है। DNS Zero की ओर से फिल्म को दिए जाते हैं 3 stars. फिल्म इज नॉट परफेक्ट एंड सो वॉज बाहुबली। बावजूद उसके वी लव दैट फिल्म। So don't expect too much from RRR. With Ram and NTR in the lead, watch it for sheer masala entertainment, जो काफी समय बाद राजामौली लेकर आए हैं।